नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। जब बात हो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की तो भला कोई पार्टी कैसे पीछे रह सकती है। जहां एक और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान जेल में बंद है और उनके परिवार से लेकर समर्थक तक सब समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी कहां इस मौके को छोड़ेगी। राजनीति में अपना वजूद वापस बनाने में लगी कांग्रेस की तरफ से आज यूपी कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी ने खुलकर अपना बयान सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसमें वह आजम खान का नाम लेते हुए उनको कांग्रेस में आने का न्योता दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हम आपको राष्ट्रीय टीम में शामिल करेंगे, आप हमारे साथ आए। वहीं छोटे दलों और AIMIM का नाम लेते हुए उनका कहना है कि ये सब पार्टी भाजपा से मिली हुई है, सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा के खिलाफ डट के खड़ी है। वहीं उनका कहना है कि कांग्रेस एकमात्र विपक्ष है और देश के साथ है। वहीं कांग्रेस की लाइन ईवीएम पर सवाल उठाने वाली प्रणाली भी उन्होंने अपनाई और कहा कि आज ईवीएम में घोटाला करके 20 से 25 हजार वोट डाल के जीता जाता है। कांग्रेस महासचिव यही नहीं रुके और मीडिया पर भी तंज कसने लगे और ये तक कह डाला कि ये जो लोग दंगे कराकर फुटेज चलाते हैं उनसे भी सब हिसाब लेंगे। आज मैं माननीय आजम खान साहब को कांग्रेस में आमंत्रित करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ उनके परिवार को, उनको, उनके चाहने वालों को, जो तमाम देश और दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर वो रहेंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता हैं। छोटे दल चाहे बसपा हो चाहे AIMM हो, ये दोनों ही बीजेपी के साथ हैं, चुनाव में सबको पता चल गया। और इस देश में दो आइडियोलॉजी काम करती है, एक बीजेपी जो हिंदू और मुसलमान दोनों का नुकसान करती है, दोनों को लड़ाती है, एक कांग्रेस जो सबके साथ रहती है। ये दो आइडियोलॉजी देश में काम करती हैं। दूसरा विपक्ष सिर्फ कांग्रेस है देश के सामने, तीसरा कोई विपक्ष नहीं है फिलहाल। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय आजम खान साहब से, वो मेरी इस अपील को स्वीकार करें और एक बार मौका दें। कांग्रेस में सबका सम्मान होता है और आज छोटे जितने भी दल हैं ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डर जाते हैं, लेकिन कांग्रेस इस देश की बुनियादों में है, देश की आजादी में है, देश के लोगों के साथ है। आज जिस तरह से चुनाव जीते जा रहे हैं, ईवीएम को हैक करके 20-25 हजार वोट जो खुद डाली जा रही हैं, वो देश आप बचा सकते हैं। आज आजम खान साहब साथ आइए, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और जितने भी ये लोग हैं जो दंगे कराकर उनको फुटेज चलाते हैं उन सबके साथ हिसाब लेंगे।